हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस हम लोग बात कर रहे हैं जॉनसन्स बेबी क्रीम के बारे में। तो ये मेरे पास क्रीम है गाइस, और ये वाला जो इसका पैक है ये ऑलमोस्ट फिनिश होने आ गया है, और इसका ऑलरेडी मेरे पास बैकअप मेरे पास पहले से ही है। तो ये वाली जो क्रीम है गाइस, ये जॉनसन्स बेबी क्रीम है, और ये जो क्रीम है ये बच्चों की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। एज आप देख सकते हैं, क्लिनिकली माइल्डनेस प्रूवन। तो बच्चों की जो स्किन होती है हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो बेबीज़ की स्किन को मॉइस्चराइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हम अपने बेबीज़ के लिए बेस्ट से बेस्ट फार्मूला ही चूज़ करते हैं। तो मैंने जॉनसन्स बेबी क्रीम यूज़ की और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मेरे पास इसका जो है सेकेंड पैक ऑलरेडी पहले से ही मैंने रखा हुआ है, क्योंकि जब ये फिनिश हो जाएगी मैं इसको फेंकने से पहले ही मेरे पास दूसरा इसका पैक तैयार है। तो ये है बेबी सॉफ्ट स्किन ऑल डे लॉन्ग। जो छोटे बच्चों की स्किन होती है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो ये जो क्रीम है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये 100 ग्राम्स का पैक है, एंड इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 135 रुपीज़। एंड यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी दी हुई है, रेगुलरली यूज़ करेंगे अपने बेबी के लिए। तो ये 1 से 1.5 महीने में जो है एक ट्यूब आपकी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। तो ये वो क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए। इससे जो है बेबी की स्किन ऑल डे जो है सॉफ्ट बनी रहती है। आज आप देख सकते हैं, बेबी सॉफ्ट स्किन ऑल डे लॉन्ग। तो ये देखिए गाइज, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये इस तरीके की क्रीम है। तो आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, प्लस वाइट कलर की क्रीम है। किसी भी तरीके के कलर का इसमें यूज़ नहीं किया गया है, जो कि हमारे बच्चों की स्किन के लिए नुकसानदायक हो, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की गई है। साथ ही साथ इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूं, छोटे बच्चों के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा तेज़ जो है फ्रेग्रेंस उसकी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। इसकी जो स्मेल है गाइस, जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी ज़्यादा तेज स्मेल नहीं है कि बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ अब बात आती है कि इसे कितने से कितने ईयर्स तक के बच्चे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारे न्यू बॉर्न बेबीज से लेकर के, और इसको जो है 9 to 10 ईयर्स तक के बच्चों को हम इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ध्यान बस इतना देना है कि आप जब बच्चों के लिए इसे यूज़ करें, लिटिल अमाउंट में ही यूज़ करें, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें। हल्का सा अमाउंट लेने से ही इसका अच्छे से बेबी की स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, तो इसलिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। सेकेंडली, आइज़ से बचा करके इसको लगाएं, बच्चों की आइज़ में बिल्कुल भी ये ना लगे। तो धीरे धीरे से आप इसकी मसाज करेंगे बेबीज़ की स्किन पर, तो वो अच्छे से बेबी के स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम इसको अपने बेबीज़ के फेस की स्किन के साथ साथ हम जो है इसको हाथों पर, उनके पैरों पर, हम कहीं भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप उसको मसाज करना, एक अलग चीज़ होती है कि जब हम उसे मसाज कर रहे हैं ऑयल से, वो अलग है, बट उसको ये नहलाने के बाद में आप उसको हाथों पर, पैरों पर आप इसको ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से बेबीज़ की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होती है, साथ ही साथ अच्छे से बेबी की स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ ज़रूर करें। तो आप इसको एटलीस्ट दिन में 2 टाइम्स अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको लगे कि जब भी आप अपने बेबी के फेस को वॉश करा रहे हैं, या फिर आपने किसी कपड़े से या वेट टिश्यू से आपने अपने बेबी के फेस को क्लीन किया है, तो उसके बाद आप हल्का सा इससे अपने बेबी के फेस को मॉइस्चराइज कर दीजिए। और अगर उस टाइम पर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एक आप मॉर्निंग में जब उसे नहला देते हैं बेबी को, तब यूज़ कीजिएगा, और एक बार आप उसे नाइट में इस क्रीम को यूज़ ज़रूर कीजिएगा। जब बच्चे सोएं, तब अच्छे से एक बार बच्चे को, अपने को क्लीन करा करके आप एक बार ये क्रीम उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इससे मुझे कोई भी ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट जैसी कोई चीज़ मुझे ऐसी नहीं लगी है। इसको मैं बेबी के लिए भी यूज़ करती हूँ, इसको मैं अपने लिए भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे ऐसा इसके साथ कुछ नहीं लगा, इसीलिए मेरे पास इसका सेकंड पैक भी है, और इससे पहले भी मैं इसकी बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो ओवरऑल क्रीम गाइज ये बहुत अच्छी है, आप इसे एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।